ठाकुर विश्वदीप सिंह कोई नया नाम नहीं है, राजनीति में बहुत पुराना नाम है। अगर राजनीति की फैमिली बैकग्राउंड अगर मैं बात करूं तो इनके पूर्वज भी राजनीति में थे। आज ये खुद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, फिर बसपा में हुए, आज भारतीय जनता पार्टी में है और प्रदेश और केंद्र सरकार ने इन पर पूरा विश्वास जताया है। आज इन्होंने नामांकन किया है। नामांकन के दौरान जो तमाम जो प्रदेश के जो डिप्टी सीएम थे यहाँ पर मौजूद रहे, नामांकन प्रक्रिया में मौजूद रहे, तमाम पदाधिकारी हजारों की संख्या में मौजूद रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर विश्वदीप सिंह, तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है नामांकन के बाद और किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सीट है उसमें कैसे पार पा पाएंगे। आपका शुभ नाम क्या है? जेपी सिंह नाम है मेरा। आपका नाम सिर्फ जेपी सिंह है, आपके नाम के आगे ठाकुर या वो नहीं लगता? नहीं, आपका जो नामांकन हुआ है, आपकी जो लिस्ट आई है उसमें आगे लिख के आया है ठाकुर विश्वदीप सिंह। मैं अब आप देख लीजिए, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ सभी से और इस शहर के सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया ठाकुर शब्द मेरे आगे लगा के, मेरे नाम के आगे लगाकर मुझको एक जाति में सीमित करने का काम न करें। मैं जन जन का आदमी हूँ, मुझे जनता के बीच में जाने दीजिए। पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें ठाकुरों ने इतना विरोध किया था, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने विरोध किया था कि हमारे ठाकुरों को कहीं न कहीं स्वाभिमान को ठेक पहुंचाई जा रही है और उनको बाईपास किया जा रहा है। इसलिए ये चर्चा बनी हुई थी कि ठाकुर विश्वदीप सिंह को केवल ठाकुरों को संभालने के लिए टिकट दी गई है। क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, मेरे पिताजी फिरोजाबाद के पहले सांसद थे स्वर्गीय श्री ब्रजराज सिंह जी, ठाकुर ब्रजराज सिंह जी नहीं, स्वर्गीय श्री ब्रजराज सिंह जी। ठाकुर तो तेजराज सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें या तो भगवान की गलती हो सकती है या मेरे माता पिता की गलती हो सकती है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसमें मेरे पिता भी सक्रिय रहे हैं समाज सेवा में, मेरी माता जी भी सक्रिय रही समाज सेवा में, और मेरा उद्देश्य भी सिर्फ समाज सेवा के लिए ही राजनीति से जुड़ने का था। पार्टी ने मुझे अवसर दिया कि मैं उनके प्रत्याशी के रूप में यहाँ से आऊँ, तो मैं आप लोगों के सामने हूँ। सिंह साहब, मेरा एक और सवाल है, जो तीन विधानसभा है जो उधर की लगती है, सिरसागंज लगती है, सुगावाद लगती है और जसराना लगती है, उसमें समाजवादी पार्टी का बताते हैं कि बहुत अच्छा वोट निकलता है, तो उनके लिए, क्योंकि आपने केमिस्ट्री बहुत पढ़ी है और केमिस्ट्री में महारत हासिल है, तो आप ऐसी कौन सी केमिस्ट्री चलाएंगे तो उनपे महारत हासिल हो? मैं समझता हूँ केमिस्ट्री से आसान विषय गणित है और मुझे नहीं लगता कि केमिस्ट्री तक पहुंचेंगे, आपको आवश्यकता पड़ी, गणित से ही काम चल जाएगा। 2022 का विधानसभा चुनाव का पांचों सीटों का गणित निकाल कर देख लीजिएगा, 8200 वोट से हम पीछे रह गए थे सिरसागंज में, 8700 वोट से हम पीछे थे शुगाबाद में और 800 वोट से पीछे थे हम जसराने में। आप मुझे बताएंगे कितना होता है? कुल मिलाकर 19000 वोट होता है। सिर्फ टूंडला में 48000 वोट से आगे थे और फिरोजाबाद से कितने आगे थे मनीष सिसोदिया जी, आपको मालूम होगा। मैं अंतिम सवाल कहूंगा कि जो आपको टिकट मिली है तो अपनी जनता के लिए न्यूज 24 के प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ कहना चाहें? न्यूज 24 जैसे मेरे पसंदीदा चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहूंगा कि मैं उनके बीच का व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे अवसर दें जिससे मैं उनकी बातों को बेहतर तरीके से समझता हूँ और बेहतर तरीके से उठा सकता हूँ। और तीसरी ये, यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए, यहाँ पर हमारी मेयर जो है वो भाजपा से हैं, हमारे विधायक जी भाजपा से हैं, अगर सांसद भी भाजपा का होगा तो हम लोग बेहतर समन्वय के साथ ज्यादा काम कर सकेंगे। सर, आप मेरा एक और मन में आ रहा है कि एक और सवाल कर लूं, जैसे प्रदेश के मुखिया भी ठाकुर हैं, अपने जिले के कैबिनेट मंत्री भी ठाकुर ही हैं, अपने जिलाध्यक्ष भी ठाकुर हैं और तत्कालीन जो सांसद हैं वो भी ठाकुर ही हैं, तो ठाकुर होने के नाते फिर तो ठाकुर की तो बल्ले बल्ले होनी चाहिए ना। क्या करूं साहब, मैं ठाकुरा से इस्तीफा दूं या कि अब इससे जो टिकट दे दिया है मोदी ने उससे तो इस्तीफा दे नहीं सकता, तो आप मेरा ठाकुरा से इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए आज। ठीक है, बोलिए। हमारे साथ थे ठाकुर विश्वदीप सिंह, इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो प्रदेश और केंद्र सरकार ने जो मुझ पर विश्वास जताया है वो पूरी तरह से मैं पूरा करूंगा, और रही बात जनता की, तो जनता के जो वायदे होंगे, जो समस्या होंगी, उनका निराकरण करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं जेपी सिंह, न्यूज 24, फिरोजाबाद।